पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमिन। सातवां दिन माँ मरिया का वीरतापूर्ण धीरज। धीरज यानी कि धैर्य, जिसके बारे में संत लूकस अपने पुत्र सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 19 में लिखते हैं, तुम अपने धैर्य से अपनी आत्मा को बचा लोगे। और यदि इस वचन और माँ मरिया को हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमें इस वचन का बहुत ही सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। जब राजा हेरोद बालक यीशु को मारने के लिए सिपाहियों को भेजते हैं, तब संत जोसेफ बालक यीशु और माँ मरियम को बचाने के लिए मिस्र देश की ओर चले जाने का निर्णय लेते हैं। इस निर्णय पर माँ मरिया संत जोसेफ से एक भी सवाल नहीं पूछती, या जानते हुए भी कि मिस्र देश में ना तो उनके लिए कोई काम है और ना ही उनके कोई मित्र है जो उनकी मदद कर सके। फिर भी माँ मरिया धैर्य के साथ संत जोसेफ के साथ मिस्र देश की ओर चली जाती हैं। धैर्य यानी धीरज, जिसे अंग्रेजी में पेशेंस कहते हैं, लैटिन शब्द के पेशेंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है पीड़ा सहना। और इस पर संत बोनवेंचिया ने बहुत ही अद्भुत तरीके से कहा है कि जो दुख और कष्ट माँ मरिया ने क्रूस पर गड़े हुए यीशु को देखते हुए सहा है, उस दर्द की कल्पना नहीं की जा सकती। और यदि हम भी उसी प्रकार का दुख और कष्ट सहने के योग्य हैं, तब हम माँ मरिया के असली अनुयायी या उनके पुत्र और पुत्रियां कहलाने योग्य बनते हैं। और यदि हम उस प्रकार का दुख और कष्ट सहने योग्य होते हैं, तब हम माँ मरिया के धीरज रखने के गुण के थोड़ा बहुत खुद पर अपना सकते हैं। अंततः आज के निवेदन के रूप में मैं हमारे देश के तमाम नेताओं को याद करती हूँ कि माँ मरिया उन्हें भी धीरज का वरदान प्राप्त करने की कृपा करें, कि वे हमारे देश का प्रशासन अच्छी तरह से चला सके, इस देश के नागरिकों के हित के लिए कार्य कर सके और माँ मरिया की प्रज्ञा से धीरज धर कर धैर्य की प्राप्ति कर इस देश को सुशासित रूप से चला सके। नवेना प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, आपने कुंवारी मरियम को अपने पुत्र यीशु मसीह के योग्य माँ बनने के लिए तैयार किया। आपने उसे प्रारंभ से ही मानव जाति के उद्धार कार्य में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्रदान किया, जो मसीह के मृत्यु द्वारा पूरे संसार को सब पापों से बचा लिया। उसी प्रकार आप हमें भी निष्कलंक माँ के संरक्षण के द्वारा पवित्रता के साथ अपने पास आने की अनुमति दी। आज हम पवित्र तीतवे ईश्वर की स्तुति तथा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सभी नारियों में से चुनकर हमारे लिए माता के रूप में अनुग्रह के साथ प्रदान किया है। हे निष्कलंक माँ मरियम, यीशु की माँ, स्वर्गदूतों और संतों की रानी, हम आपको पूरे भक्ति से नमन करते हैं। हे दया की माता, आपके आनंदमय निष्कलंक गर्भात्मन द्वारा हमारे सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और यीशु मसीह की उपस्थिति में पाप रहित जीवन जीने में हमारे सहायता कर और उसके प्रति सदैव वफादार रहने हेतु अपने बेटे यीशु से हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर। आमीन। बच्चों को तू दे सहारा, जब ज
जब गिरे।